छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के अंतर्गत ग्राम दुरलो टोला गांव में जब से गांव बसा है तब से बिजली नहीं है। गांव में बिजली नहीं रहने से गांव के लोगों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी गांव ले चलते हैं। बिजली भी नहीं आया है, बिजली आता तो टुल्लू पंप और वगैरह लगाते हैं, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से समस्या है। और स्कूल जाने के लिए भी दिक्कत जाता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, बहुत अंधेरा रहता है, शाम को जाने के लिए भी अंधेरा रहता है और पढ़ने के लिए भी अंधेरा रहता है। और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। जब से हम यहाँ आए जी तब से तो का कहते कि बिजली के बहुत समस्या है। अब 25 साल हो गए है प्राजरी में आए मोला, ते बरसात में अंधेला में का कहते कि एढ़ा ओढ़ा जाए बा, लाइटर नहीं है, न चिमनी नहीं है, न माटी तेल नहीं है, ऐसे चले जाते ना मन आगे लुठी धर के। अब काज कर हमारे घर का साधन नहीं है, ते अंधेला में का कहते कीड़ा है, एक मकोड़ा है, लाइटर में दिखबे नहीं करे, लाइटर में घर सेल रही तब बनी और नहीं रही तो हम कैसे करबो। वो आगे लुठी रहे ऐसे करत हमारे चले जाते हैं। अभी तक बिजली के कोई सुनाई नहीं होते, पहले से बिजली की कोशिश करा था, पहले उप सरपंच भी रहे, वार्ड पंच भी रहे, तब से ग्राम सभा से प्रस्ताव उठा के भी देन ऊपर भी सुनाई नहीं होते। अब ग्राम सभा में भी प्रस्ताव दे थान, आवेदन दे थान और पंचायत में भी आवेदन नहीं कर थान, तो ऊपर भी अभी तक कोई सुनाई नहीं होते। शासन से हमारे गाँव में कोई सुनाई नहीं होती बिजली के बारे में। और महिला मल्ला खाना वाना बनाए के भी दिक्कत होते, फिर यहाँ बिजली नहीं है तो अबर समस्या होती है। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई हूँ कि हमारे आदिवासी गांव में बिजली की सुविधा दी जाए। विकासखंड मानपुर विद्युत वितरण कंपनी चिरंजीव नायक का नंबर है 7587434939। इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़ इंडिया अनहर्ट के लिए।